राउरकेला रे नाबालिका को गणदुष्कर्म अभियोग रघुनाथ पाली थाना रे एने एतला होईछि। प्लांट साइट अंचल को ने पांच जन नाबालिका को दुष्कर्म करथिबा अभियोग रे दर्शा जायछि। तेबे राउरकेला रे नाबालिका को गणदुष्कर्म अभियोग रघुनाथ पाली थाना रे एने एतला दिया जायछि। प्लांट साइट अंचल को ने पांच जन जणे परे जणे नाबालिका को दुष्कर्म करथिबा अभियोग रे दर्शा जायछि। तेज संपर्क में अधिक अपडेट देवा आम सहित फोनलाइन जोड़ी आम राउरकेला प्रतिनिधि सस्मिता पृष्टि रही। सस्मिता, राउरकेलें नाबालिका को जो गणदुष्कर्म अभियोग होता वर्तमान जो अपडेट आसूची जो रिपोर्ट आसूची जे पांच जन नहीं जड़े पर जड़े दुष्कर्म करते यापर पुलिस किसी प्रतिक्रिया देखो मंदाजी जी कह गोटे निहाती पक्ष गोटे संवेदनशील घटना कहीं तीन दिन आगर दुई जन नाबालिका को कौन दुष्कर्म करयोग आ पुलिस तरह तदंत करुच्छी जी कह झारखंड और छत्तीसगढ़ जेहे राउरकेला को लगे रही जो मैंने गण दुष्कर्म करते राउरकेल फेरार होती सेपटे जी कह गत घटना जी कह गोटे रेस्टुरांट को जाइए खियापिया करते खाई सारापर गोटे पुरुष बंधु नहीं कि आसते गोटे फ्लाटपेट अंचल गोटे जगार और पांच जन गण दुष्कर्म करीड़िता अभियोग कर नाबालिका जनक अभियोग करपटे जी कह पुलिस पुलिस गोटे प्रकार काठ घोड़े ढड़ा होती कहीं गत तीन दिन भितर गण नाबालिका को गण दुष्कर्म कर बहुत बड़े संवेदनशील घटना कहीं पुलिस निहाती भाव में पुलिस पेट्रोलिंग हो जो रेस्टुरांट रही थाना अति निकटतम निकटतर थी रघुनाथपाली थाना अंचल ही सब घटना घटी जड़े नाबालिका को जन को किभली भाव में से रेस्टुरांट रु पांच जन अभियोगकारी नहीं आसने ता एक सबुठ बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करती से भाव में गाड़ी में आ गाड़े किभली भाव में आने सहित जो दुष्कर्म करें किए किए सामिल अच्छा एवं पर्यंत ये आईडेंटिफाई करपटे पुलिस तदंत करापड़ी मंदाजी निहते भाव में सस्मिता जमी आप आलोचना करे नाबालिका परिवार पक्षर कौन प्रतिक्रिया नाबालिका परिवार लोक थाना एतला से सीधासल एतला लिखिं पांच जन दुर्वृत्त गण बलात्कार करें सीधासल जो परिवार सहित आम जोजोग करने चेस्टा करुच्छू कि पर्यटन जोजोग पारिना कि कह लिखित भाव में जो रघुनाथपल्ली थाना एफआईआर दायर कर पांच जन दुर्वृत्त नाबालिका को गण दुष्कर्म कर आपण नजर रखि था घटना पर बहुत बहुत धन्यवाद सस्मिता आपण तमाम सूचना पर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।